एंटीलिया बॉम्ब केस में जिस प्रकार से चीज़ें बाहर आई है और सचिन वाजे एपीआई इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृहमंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो, इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है ये सारी चीज़ें गंभीर है, और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है, और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या, ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो अभी बाहर आना बाकी है। और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो एपीआई वाजे है ये करीब 16 सालों से सस्पेंडेड थे और उनको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, और जब वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया जिस समय मैं गृहमंत्री और मुख्यमंत्री था उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया, और केवल वापस नहीं लिया तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा पीआई रहता है उसका प्रमुख, तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया और सारे जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस उनको दी गई। और ये भी यहाँ पर मैंने बताना चाहिए कि जिस समय वो सस्पेंडेड थे उस समय शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया था, शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से केवल मुझे ऐसा लगता है कि अपने हित के लिए इस प्रकार का कार्य, ये बहुत ही गलत बात है, और इसमें से हमारे सरकार की हमारे पुलिस की इमेज भी खराब होती है, और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है, हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आएगा।